मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें आने वाली नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाने की पूरी विधि जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे गेहूँ का आटा, स्वादानुसार नमक लेंगे। अभी नमक और आटे को हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटा गूंद देंगे। पराठा बनाने के लिए हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने पराठे के लिए आटा बना लिया। अब ये आटा बहुत ही सॉफ्ट होने के लिए हम उसको थोड़ा ऑयल लगाएंगे और फिर से एक से दो मिनट के लिए हम अच्छे से रगड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने आटा लगवा लिया। तो अब हम 10 मिनट के लिए आटे को ढक के रखेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने पहले से ही आलू को उबाल लिया था। अब हम सभी आलूओं को एक के बाद एक अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से हमारे पराठे फटेंगे नहीं और अच्छे से फूलेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले लेंगे पाव भाजी मसाला, फिर उसके बाद लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर लेंगे चाट मसाला और लेंगे लाल मिर्च पाउडर। स्वादानुसार नमक लेंगे और उसमें लेंगे कोरिएंडर पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हम स्टफिंग के गोले बना लेंगे। पराठा बेलने के लिए अभी तैयार है। सबसे पहले हम आटे की लोई लेके सूखा आटा डाल के छोटी साइज की रोटी बना लेंगे। उसके बाद हमने जो स्टफिंग के गोले बनाए थे वो हम उसमें ऐड करेंगे। अभी स्टफिंग को हम अच्छे से पैक कर लेंगे जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम पराठे को बेलना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हम पराठे को बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने पराठा अभी अच्छे से बेल लिया और पराठे की स्टफिंग भी बाहर नहीं निकली। पराठा सेकने के लिए हमें चाहिए होगा बटर। आप घी या ऑयल से भी पराठा सेक सकते हैं। अब बटर हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अब पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। एक बाजू अच्छे से सेकने के बाद हम पराठे को पलट देंगे। आलू का पराठा सभी को पसंद होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है आलू का पराठा। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। आप देख रहे हैं कि अभी पराठा अच्छे से फूलने लगा है। अभी एक साइड अच्छे से पक गई है तो हम दूसरी साइड पकाते हैं, इसलिए हम उसको पलट देंगे। हमारा पराठा बन के रेडी है। इसी तरीके से हम सारे पराठे एक के बाद एक अच्छे से सेक लेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।